सपने में अगर भगवान रोते हुए दिखे आपके, ओके, भगवान जो है सपने में अगर रोते हुए दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आज एक बहुत अच्छा चैनल देखा मैंने, उसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप भी उसको सब्सक्राइब करके सारे वीडियो सुन लो। गृहस्थ तंत्र बोल के है, ओके, गृहस्थ तंत्र बोल के चैनल है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए है कि तांत्रिक किस तरह से आपको बर्बाद करते हैं, घर को बर्बाद करते हैं, आपका सब कुछ छीन लेते हैं। तो मेरे बुआ के हस्बैंड की वजह से मुझे ऐसे चैनल देखने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी बंधन, पता नहीं क्या क्या बंधन कर रखे हैं। तो भगवान अगर रोते हुए दिखे तो इसका क्या मतलब है? देखो, कोई ना कोई संकट आने वाला होता है, बड़ा वाला, ओके, छोटा भी या जो भी है, ओके, संकट आने वाला है, लेकिन भगवान अब आपकी सहायता नहीं कर सकते, उस समय भगवान रोते हुए दिखते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था, सुबह सुबह मैंने आँख खोलने से पहले मुझे दिखा कि साईं बाबा मुझे रोते हुए दिख रहे हैं। मैं बोली, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो उस दिन मेरे साथ इतनी भयंकर मारपीट हुई, तो मतलब जानलेवा मारपीट हुई। और इसलिए मतलब खुद गॉड आपके लिए रोते हैं जब वो आपकी मदद नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो एक साधक ही जान सकता है, एक साधक ही जान सकता है। और इसलिए गृहस्थ तंत्र जो है उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मैं किसी की गारंटी नहीं देती, इसलिए किसी भी तांत्रिक से कांटेक्ट करने से अच्छा है नामस्मरण, जप वगैरह, क्योंकि वो भी तो वही करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ होगा, बलि देते होंगे या कुछ हवन करते होंगे, तो आप ब्राह्मण को बुला के घर पे कर लीजिए। बट इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है, क्योंकि जब मेरे घर में मतलब मेरे ऊपर जो है लक्ष्मी बंधन प्रयोग किया गया, उससे पहले अगर मुझे कोई बोलता कि देवताओं को बंधन में डाल सकते हैं, तो शायद मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती। ड्रीम में जब मुझे खुद ही दिखाया गया, जैसे कि एक वीडियो में मैंने सुना था, मानो किसी मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ओके, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मतलब उस मूर्ति के अंदर प्राण लाए जाते हैं, ईश्वर को लाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। लेकिन ये मेरे बुआ के हस्बैंड के मुंह से ही सुना था मैंने, ओके, कि लेकिन अगर किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो, मतलब उस मंदिर को फिर से बनाना हो, और उस मूर्ति को तो हटा नहीं सकते, उसके अंदर प्राण है, मूर्ति नाराज हो जाएगी, मूर्ति को उखाड़ोगे तो श्राप ही लगेगा, देवता कोपित हो जाएंगे। तो उन्होंने ही बताया था, उनको मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है तंत्र में, ओके, तो बहुत ही भयानक होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बाहर से ये पूजा पाठ करने का नाटक करते, अंदर से वो बहुत ही भयानक तांत्रिक होते हैं। तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनके मुंह से ही मैंने सुना था कि उस मतलब ब्राह्मण जो है मंत्रों की सहायता से कहीं बहुत बड़े हुए ब्राह्मण पहुँचे हुए, ओके, तो मंत्रों की सहायता से उस प्राण को निकाल लेते हैं, ओके, मूर्ति के अंदर से उस प्राण को निकाल लेते हैं, लेकिन इस विधि में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो देवता कोपित हो जाते, फिर आपको नाग डस लेंगे या कुछ भी आपके साथ बुरा भला हो सकता है। तो और बाद में जब मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है, फिर से उस प्राण को जो है उसमें डाला जाता है, प्राण निकाल के फिर उस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, नया मंदिर बनाया जाता है, और फिर से जो है उसके अंदर प्राण डाल दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। एक होता है प्राण प्रतिष्ठा, दूसरा होता है प्राण निकाल लेना। तो प्राण निकाल लेना मेरे बुआ और उनके हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है। मेरा तो श्राप है ऐसे लोगों को कि ये जो है इनका लास्ट बर्थ होगा एज अ इंसान, नेक्स्ट जन्म में ये जो है बकरी बनेंगे, मुर्गा बनेंगे। मैं कहती हूँ हजारों जन्म ऐसे बनेंगे, जितने लोगों को आपने बेरहमी से काटा है, बर्बाद किया है, आप देखोगे कि आप मुर्गा बन के कटोगे, मछली बन के कटोगे, बकरा बन के कटोगे, जितने वाले कटने वाले प्राणी कट के बनोगे, उनके पेट में जाओगे, विष्ठा बन के, पोटी बन के बाहर निकलोगे, क्योंकि बहुत ही मतलब दिल से बद्दुआ निकलती है कि पूरी तरह मतलब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो लेकिन मेरी तरह कोई और बर्बाद ना हो, शायद इसलिए मुझे ये लेसन दिए गए हैं। तो तंत्र को जानना बहुत ही आवश्यक है, किसी भी चीज़ को जो है जड़ तक पहुंचना आवश्यक है। बिना जाने तर्क वितर्क करना या ऐसे तो होता ही नहीं है, ब्लैक मैजिक तो होता ही नहीं है, अरे घर के घर बर्बाद हो गए, लोगों के जाके पूछो फिर पता चलेगा, ओके। तो गृहस्थ तंत्र बहुत ही अच्छा चैनल है दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा। और
उसमें जो बताया गया है कि अगर भगवान आपको रोते हुए दिखे तो क्या है, क्या मैंने पहले बताया है? ओके, फिर से बताती हूँ। तो उसमें बताया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट आने वाला हो तो भगवान रोते हुए दिख सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था कि भाई जस्ट आँख खोलने वाली हूँ, उसके पहले मुझे दिखाई दिया कि साईं बाबा रोते हुए दिख रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ बाबा आप क्यों रो रहे हो? मतलब ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छे अच्छे से साईं बाबा ने ड्रीम्स दिखाए थे। तो उस दिन मेरे साथ बहुत ही मतलब जानलेवा कह सकते हैं, इतनी भयानक मारपीट हुई थी, तो बीच में बात अधूरी रह गई। तो दोस्तों लक्ष्मी बंधन ऐसा होता है कि मान लो किसी मंदिर में जाके अगर कुछ गलत कांड किया जाए, मतलब देवताओं को जो पसंद होता है, आरती की जाती है, भोग लगाए जाते हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें की जाती है, मानो वहाँ पे सेक्स करना या तंत्र करना या कुछ भी ऐसी गंदी चीज़ अगर भगवान के मंदिर में किया जाए, तो जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है, गंदगी कुछ वहाँ पे चिथा राख हो या कुछ कुछ भी ऐसा करके मंत्र तंत्र करके वहाँ पे गंदगी फैला दी जाए, तो देवता भी मंदिर से निकल जाएंगे, उस मंदिर में जो है देवता रहेंगे नहीं। उसी तरह से लक्ष्मी बंधन किया जाता है कि आपके घर में कुछ ऐसा गंदा डाल दिया जाता है जिसकी वजह से देवता, अब जैसे माँ लक्ष्मी को जो है सफाई पसंद है, इसलिए घर की चौखट को जो है रोज धोना चाहिए, रंगोली डालना चाहिए उसके ऊपर, माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करनी चाहिए, पितरों को प्रार्थना करनी चाहिए कि रक्षा करें आपकी लक्ष्मी की, आपके बरकत की। ओके, तो मुझे लगता है मेरा जो पपी मुझे ड्रीम में उसका उपाय बताया गया कि घर में कुत्ता पालो, कुत्ते को खाना डालो, यही तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। और सचमुच जब से मैंने कुत्ता लाया, थोड़ा सा कटा, मतलब कह सकते 1% कटा, लेकिन अभी भी जो, क्योंकि ड्रीम में मुझे 4 कुत्ते दिखाए गए थे, अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 4 कुत्ते खरीदूँ और पालूँ। और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं, आप बांध के रखो, घर में रखो, खाना खाते और घूमने चले जाते हैं टहलने के लिए। ओके, तो फिलहाल एक ही है, मैं देखती हूँ कि ये जब से आया है मुझे रोज़ घर धोना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद बुआ के हस्बैंड कुछ गंदगी डाल के गए होंगे चौखट पे यहाँ वहाँ, जो कि मुझे लगातार भगवान धुला धुला के धुला धुला के धुला धुला के साफ करवा रहा है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कब साल में एक बार धोया होगा मैंने घर, क्योंकि अकेली रहती थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे दिन में 10 बार घर धोना पड़ता है। शुशु करता है और बच्चा होता है तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद आप डिटर्जेंट से भी डालो तो भी वो स्मेल जाता नहीं है, तो आपको एक तो शू करने के बाद उसको फट से साफ करना पड़ता है, ऊपर से डिटर्जेंट का पानी ला के पूरा वाइपर लेके ही पानी बाहर निकालना पड़ता है। दिन में 10 बार ये ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इतना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो तंत्र है उसको साफ करने के लिए ये ड्यूटी मुझे दी गई है। और तो तंत्र की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो अर्थ है दोस्तों, ये स्वर्ग नहीं है कि यहाँ पे बस प्योरिटी ही प्योरिटी रहे, ये गोलोक नहीं है, विष्णु लोक या कैलाश नहीं है जहाँ पॉजिटिविटी हो। यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे बुरी शक्तियाँ भी काम करती है और अच्छी शक्तियाँ भी काम करती है, दोनों इक्वल हो सकती है, या कह सकते हैं कि बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, छुपे रुस्तम भी बहुत मिल जाएंगे, ऊपर से ऐसा दिखाएंगे कि वो आपके हितचिंतक है और सच्चाई पता नहीं चलती कि कौन क्या है। इसलिए हमेशा अपने सीक्रेट्स, अपनी कमाई कभी भी जो है बतानी नहीं चाहिए। तो अब मुझे लेसन मिला है जब कमाई कम हो गई। ओके, अब लेसन मिला है, पहले बता देते तो यार काफ़ी आगे चले जाते। ओके, तो बतानी नहीं चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, और मंत्र जाप, दिया लगाना, धूप, घर में सुबह शाम धूप करना, ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। अपने पितरों को मजबूत करना, अपने कुलदेवता को भोग लगा के मजबूत करना, पितरों का सब अच्छे से करना, भगवत गीता का 7 चैप्टर, पितर सचमुच मदद करते हो। ओके, पितर बहुत मदद करते हैं आपके संकट को, आपके ऊपर आने वाले संकट को वो आने नहीं देते फट से, अगर पितर मजबूत है। पितरों का आप करते हो, आपने बड़े बुजुर्गों की सेवा की है, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं, तो इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। लेकिन तंत्र को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फूल बर्बाद होके बाद में जानने का क्या मतलब है?
ओके, बाद में तो इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसलिए ये चैनल मुझे बहुत ही परफेक्ट लगता है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट मैं किसी की गारंटी नहीं देती, तो पर्सनल किसी से भी कांटेक्ट ना करें, इन्फॉर्मेशन वीडियो से ले, उसको फॉलो ज़रूर आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। रेकी सीखिए, रेकी से इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, और अगर मेरी आवाज़ से कनेक्शन फील होता है तो डेली इनर वर्क का मेडिटेशन ज़रूर खरीदिए। ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अवेलेबल है, जो भी ब्रेसलेट चाहिए उसकी पिक भेज दीजिए, आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा। ओके, तो पायराइड के रिंग्स, पेंडेंट्स भी अवेलेबल है, ब्रेसलेट्स, माला, सब कुछ, पूजा की हर एक सामग्री अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, हॉरोस्कोप रीडिंग करवानी है करवा सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का म्यूजिक है, ओके, विद्या शक्तिपात, प्रॉस्पेरिटी आइटम, बहुत कुछ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। ओके, थैंक यू।